अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माला माला लिखा है लेकिन सेंड नहीं किया। सुमन ये मैसेज मुझे ही भेजना चाहती थी लेकिन उसने माला क्यों लिखा है? कान्हा जी, बस अब सब आप पर है। इन माला के दानों तक अंशुमन जी को पहुंचा दीजिएगा प्लीज। नाना जी, ये क्या है? सुरक्षा कवच है। ये माला अगर कभी इसके पास ना रही तो जिसके पास भी रहेगी वो सुमन का रक्षक होगा। सुमन को जान से मारने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान रहे वो यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही यहां कोई आना चाहिए। वो तो भाग गई। What? लड़की तो भाग गई। सुमन अभी ही मरना चाहती। Go and kill her now. और ध्यान रहे, अंशुमन के हाथ वो नहीं लगनी चाहिए। और सुनो, तुम लोगों में से कोई भी अंशुमन के हाथ नहीं लगना। Go. ये सुमन?
यहाँ तो कोई भी नहीं है, सुमन है कहाँ? ये यहां भी टपक गया। सुमन जी की आवाज है, सुमन, सुमन, पकड़ो रे इसे, इसके आशिक के आने से पहले इसको खत्म करना होगा। लोगों में से कोई भी अंशुमन के हाथ नहीं लगे। चलो निकलते हैं, क्योंकि मेरा मारा हुआ खंजर है, वो लड़की कभी बच नहीं सकती। चलो रुको, भाग कहाँ रहे हो? कहाँ रहो? सुमन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। चलो अच्छा जी, अच्छा जी, रुकिए, हमें आपसे बात करनी है। जब तक वो बात नहीं कर लेते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। भगवान जी के पास से नहीं जाएंगे। चुप करो सुमन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें जो बात कर ली है कर लेंगे, लेकिन अभी हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है सुमन। अजीबा जी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, आप हमारी बात सुनिए प्लीज। हमारी बात अधूरी रह गई थी, हम बात के बिना मरना नहीं चाहते। अंशुमन जी, वो लड़की को अपनी जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए होगा, जिसे आपका प्यार मिल जाए, जिसे आप जाने लें। लेकिन
लेकिन हमें इतना साथ नहीं अंशुमन जी, हम समाज की उस ऊंची दहलीज को नहीं लांग सकते, हमारे कदम छोटे पड़ जाए। आपको 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 याद है हमने हमने उस दिन आपसे कहा था कि हम आपके लायक नहीं है, ये सुमन आपके चरणों में अर्पित होने के लिए गले हार या माथे का मुकुट नहीं बन सकते हो। सुमन हम सारी बातें करें लेकिन अभी हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। सुमन अंशुमजी, अंशुमजी दाने जी आपके लायक नहीं है, उन्होंने आपसे झूठ बोला था, यूं रहा था आप दोनों के बीच कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आप दोनों के बीच। दाने तुम इस तरह मेरे कमरे में? अंशुमन, whatever happened last night was not right. जो भी कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, पर सिचुएशन ऐसी थी कि जो हुआ था वो हो गया। ये ताना जी की साजिश थी, उनकी प्लानिंग थी। आप लोगों की बातों में प्लीज मत फंसिएगा, उनसे उनसे शादी मत कीजिएगा। ताना जी ने आपसे झूठ बोला है, मैंने आपको झूठ बोला है। सुमन, सुमन आंखें खोलो, सुमन, 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 मैं तुम्हें इस तरह हारने नहीं दे सकता, तुम ऐसे नहीं हार सकती सुमन, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, सुमन, सुमन, सुमन। हाँ जी, जी कुछ पता चला? देखिए हम अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, आप अपने स्तर पर भी तो कोशिश कीजिए। ठीक है, वर्मा जी, वर्मा जी किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई खबर आई? ठीक है वर्मा जी। जी हाँ, अरे हाँ तो कह रहे हैं हम आपसे, अंशुमन अपनी कार लेकर गया है। जी नहीं, कोई खबर नहीं है अभी तक, फोन भी तो नहीं लग रहा है ना उसका, इसलिए तो कह रहा हूं हम आपसे। क्या हुआ झाजी, कुछ पता चला? हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। कहाँ कुछ पता चल रहा है सुरभि जी, ना अंशुमन का पता है ना सुमन का, कम से कम पहले उनका फोन लग रहा था, रिंग तो सुनाई दे रही थी, अब तो फोन भी नहीं लग रहा है। ए लो, पहले सुमन गई फूल चुनने, लापता हो गई। अंशुमन बहुआ पीछे पीछे गए सुमन के, वो भी लापता हो गए। अरे भैया, ये बार बार ही घर में चल का रहा है। वही तो दीदी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पता नहीं दोनों कहाँ गायब हो गए। अरे छोटकी, समझना चाहोगी तभी ना समझोगी। देख लो, जब से उसका कदम घर में पड़ा है कोई चैन से रह पाया है का? हर रोज कोई ना कोई नया ड्रामा लगा रहता है। उसका कदम पड़ा कि गोलियां चलने लग गई, राय बहादुर खानदान के नाम पे कीचड़ उछलने लग गया, अंशुमन बहुआ का सगाई तक नहीं हो पाया, फिर सुमन को ही कोई लेके उड़ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी मत कह देना कि जबरन उसको कोई दोबारा उठा के ले गया है, जैसे कोई सुमन ना हो हीरोइन ही हो, सारा संसार पड़ा है उसके पीछे। जी बड़ी मां, ऐसा हो सकता है क्योंकि क्योंकि क्या नंदिनी, तुम्हें आभास है सुमन का? छोटी माँ, देखिए ना सुमन के पीछे कितने दुश्मन पड़े हुए हैं। एक वो शिरीष जो पहले ही दिन से बदला लेने की फिराक में है, अब वो कॉलेज का गुंडा भोला सिंह। हाँ माँ, पता नहीं सुमन और अंशुमन भैया किस मुसीबत में हो। ताने जी आपके लायक नहीं है, उन्होंने आपसे झूठ बोला था, यूं रहा था आप दोनों के बीच कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आप दोनों के बीच। लोगों की बातों में प्लीज मत फंसिएगा। हमें भी आपसे एक जरूरी बात करनी थी अंशुमन।
भी आपसे वही बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी सिचुएशन में किसी के सामने नहीं करेंगे। झूठ को सच की तरह परोसने से झूठ सच नहीं हो जाता है तान्या जी। अंशुमन जी, अब तान्या जी के फरेब में मत फंसिएगा प्लीज। इन्होंने जो कुछ भी आपसे कहा है वो सब झूठ है। आखिर क्या है सच, क्या है तान्या की साजिश, मुझे अब सब जानना ही होगा। अंशुमन जी, मिथिलेश, अंशुमन का कॉल, वीडियो कॉल। हाँ अंशुमन, अंशुमन तुम ठीक हो? कहाँ हो? पर सुमन कहाँ है? सुमन का कुछ पता चला? दादाजी मैं सिटी हॉस्पिटल में, सुमन आईसीयू। आईसीयू? क्या हुआ है सुमन को? बोलो बेटा, सुमन को क्या हुआ है? सुमन को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है पापा। पर वो कोई और नहीं, इस घर का ही कोई आदमी। क्या? हमारे घर का? लेकिन बेटा तुम्हें कैसे पता? जो ये सब इसने किया है वो हमारे घर का ही है। मुझे नहीं पता माँ, लेकिन सुमन को पता है। बेहोश होने से पहले उसने मुझे बताया था कि जिस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की है उसे सुमन ने देखा है। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, सुमन अब खतरे से बाहर। जैसे ही उसे होश आएगा मुझे पता चल जाएगा कि किसने उसे मारने की कोशिश की है। बेटा तुम परेशान मत हो, हम अभी हॉस्पिटल आते हैं। नहीं नहीं माँ, आप लोगों को अस्पताल आने की जरूरत नहीं, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। सुमन को जैसे ही होश आता मैं उसे घर लेकर आऊंगा। अंशुमन, अंशुमन सुनो, इस सुमन का लक सुमन से भी दो कदम आगे दौड़ता है, तभी तो मौत के मुंह से बचकर आ गई। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं उसे इस घर तक पहुंचने नहीं दूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो अंशुमन बाबू भी यहाँ तक बता चुके हैं कि कोई घर का ही आदमी है। हमारा विश्वास कीजिए, उस सौरभ बाबू की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। सौरभ बाबू को कहा लेना देना है सुमनिया से? तो फिर कौन हो सकता है? हमको ना ये दोनों माँ बेटी का लक्षण ठीक नहीं लग रहा है बड़के समधन जी। ये कहीं आपकी दोस्ती का फायदा उठाकर आप ही को दलदल में ना धकेल दे दोनों। पगला गई है का? सोच की समझती कुछ है नहीं, बस बक देती है जो मन में आया। अरे नीरू हमारी सहेली है, वो भी बचपन की, और तान्या उनकी बेटी, और हम हैं आपके रिश्तेदार। हाँ। इसलिए आपको कर रहे हैं खबरदार। तान्या को अच्छे से पढ़ चुके हैं हम ना, अंशुमन बाबू के लिए एकदम पगलाई हुई है। अब कुछ हमारे कान तक आया है तो आपको बता रहे हैं, बाकी विश्वास करना नहीं करना आपके ऊपर है। माँ आप दोनों को दादाजी बुला रहे हैं, आइए। एक्सक्यूज मी, रूम 201 का है?
ये सुमन कहाँ गई? यहाँ नहीं तो कहाँ गई है? डॉक्टर अभी अभी तो बेहोश थी, आप ऐसे कैसे कहाँ जा सकती है? डॉक्टर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताएंगे आप? मैं मार्केट आई थी, कुछ काम था क्या? हाँ, तुम अभी घर आ जाओ, हम लोग महंत जी के आश्रम जा रहे हैं। सुना है वहाँ एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। हम सुमन के जीवन रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करने जा रहे हैं। तुम घर आ जाओ। पता नहीं अंशुमन सुमन को लेके कब घर आ जाए, कोई तो घर पे होना चाहिए ना बेटा। जी आंटी, आप लोग जाइए, मैं आ जाऊंगी जल्दी। हाँ, जल्दी आना। आखिर ये सुमन गई कहाँ? तानिया, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ।